हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लॉ क्लास। इस क्लास में हम COVID-19 से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम COVID-19 यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कहां से हुई, उसका फैक्ट का स्टडी करेंगे। उसके बाद COVID-19 से संबंधित महत्वपूर्ण ऑपरेशन, अभियान या मिशन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद COVID-19 के दौरान जारी किए गए ऐप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना के उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परत। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई है। कोरोना का आधिकारिक नाम COVID-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित, यानी COVID-19 महामारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? तो 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। कोरोना वायरस है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना इजराइल। इजराइल है जो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। कोरोना देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कब कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की? जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 2020 में 21 दिन के लिए लगा था। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था? 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 2021 दिन के लिए लगा था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, मैंने महामारी घोषित कौन राज्य किया था कोरोना को सबसे पहले? तो हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान। COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमीशिनो एयरपोर्ट। इटली का जो फ्यूमीशिनो एयरपोर्ट था वो COVID-19 प्रोटोकॉल को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार ने सबसे पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्त किया था। COVID-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। COVID-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा। संयुग्म टीका विकसित COVID-19 का कौन किया? सबसे पहले क्यूबा देश ने किया। यूनाइटेड नेशन की वैक्सीन योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना। COVID-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव बयान है, जो जम्मू कश्मीर का गांव है। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो पहला राज्य जो कोरोना से मुक्त हुआ वो गोवा बना। अब पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना से मुक्त हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना। COVID-19 के खिलाफ खुदोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। COVID-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना सलो
बेनिया स्लोवेनिया पहला यूरोपीय देश बना जो कोविड 19 से मुक्त हो गया। कोविड 19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली बना है। दिल्ली भारत का पहला एयरपोर्ट बना जो जी हाँ कोविड 19 टेस्ट की सुविधा उपलब्ध की गई। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है आईआईटी रोपर ने जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के दो वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है? तो कप्पा का नाम दिया है B.1.617.1 तथा ये डेल्टा का नाम दिया है B.1.617.2। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस हो गया। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच। रेलवे द्वारा पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई तो विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच चलाई गई। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किया। यानी अगर पूछा जाए कि भारत के पहली कोरोना वैक्सीन कौन था तो कोवैक्सीन था। अब कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया तो भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर किया था। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया था? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने मिलकर किया था। इसका उत्पादन भारत के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। टीका उत्सव मनाया गया। टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव का मनाया गया। 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन पर टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। मैंने इसरो ने 3 वेंटिलेटर बनाया, एक स्वस्थ है, दूसरा प्राण है, तीसरा वायु है। ये हो गया कोविड 19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम पढ़ेंगे कोविड 19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान और मिशन। मैंने कोविड 19 के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन अभियान और मिशन लॉन्च किए गए। तो सबसे पहला ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए ऑपरेशन नमस्ते अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया तो भारतीय सेना द्वारा खुद को संक्रमण मुक्त रखने के लिए। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान। यानी वंदे भारत मिशन किस लिए चलाया गया तो विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए। मिशन सागर मालदीव सेशेल्स मेडागास्कर व कोमोरोस देश को मदद देने हेतु नौसेना द्वारा। यानी जो मिशन सागर अभियान है वो मालदीव सेशेल्स मेडागास्कर व कोमोरोस देश को मदद देने हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। ये चारों देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन।
ऑपरेशन समुद्र सेतु है जो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा अभियान चलाया गया जिसे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा गया। ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना द्वारा, यानी ऑपरेशन संजीवनी है जो वायुसेना द्वारा चलाया गया और मालदीव को आवश्यक दवाइयां और सामग्रियां दी गई। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड कोविड 19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ऑपरेशन शील्ड अभियान है जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कोविड 19 से प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील कर देना। ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया। ब्रेक द चेन केरल सरकार द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया। 5T योजना, 5T योजना है जो दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाया गया। तो 5T योजना किस के द्वारा चलाया गया, तो दिल्ली सरकार द्वारा। भी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया। अगर पूछा जाए भी सेफ टनल अभियान कहाँ चलाया गया, तो तेलंगाना में। करुणा पहल सिविल सेवक अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया। अब मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। तो यही कोरोना के दौरान चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान। अब हम आज पढ़ेंगे कोविड 19 के दौरान जारी किए गए ऐप। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कौन कौन से ऐप कोरोना महामारी के दौरान जारी किया गया और किस मंत्रालय या किस विभाग या किस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया, इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ये कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। NARI नारी ऐप पुंडुचेरी सरकार द्वारा। नारी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो पुंडुचेरी सरकार द्वारा। प्रज्ञाम ऐप PRAGYAM प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो कोविड केयर ऐप है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा। IGOT या युक्ति YUKTI पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। एन कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ये कोविन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे द्वारा। संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा। बिहार सरकार द्वारा संजीवनी ऐप जारी किया गया। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा जारी किया गया। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, सोनू सूद के द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार। और कोविड फार्मा ऐप
कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, टी कोविन 19 ऐप तेलंगाना सरकार के द्वारा, जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया था। तो ये हुआ कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित अभियान तथा कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप। अब हम इसे पुनः एक बार रिवीजन कर लें ताकि ये पूरी तरह याद हो जाए। ये रेलवे एसएससी के एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम इसका रिवीजन करते हैं। हम पढ़ेंगे कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोरोना वायरस की शुरुआत, तो कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई। कहाँ हुई? चीन के वुहान शहर से हुई कोरोना वायरस की शुरुआत। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज आधिकारिक नाम है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला, तो कोरोना वायरस है से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तो फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में दर्ज किया गया। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है इजराइल है जो कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में पहली मौत कर्नाटक में हुई है। नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन हुआ 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन के लिए भारत में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य तो हरियाणा है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। पंजाब पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमीसिनो एयरपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो मनीष कुमार पहले भारतीय हैं जिसने कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त किए हैं। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा। UNA की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। व्यस्त आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव बयान जम्मू कश्मीर। कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश, पहला राज्य हो गया गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 के खिलाफ खुदौल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से।
कोविड-19 के खिलाफ खौजाल पहल किससे संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। रूस पहला देश था जिसने कोरोना का टीका विकसित किया। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया IIT रोपर ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस की 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है? तो कप्पा वेरिएंट के स्ट्रेन का नाम है B.1.617.1 तथा ये डेल्टा वेरिएंट का नाम है B.1.617.2। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस। रूस पहला देश है जिसने जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित किया। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच। रेलवे ने विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने किया। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने किया तथा सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड टीका का निर्माण करती है जो पुणे में स्थित है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को टीका उत्सव मनाया गया। 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव कब मनाया गया? 11 से 14 अप्रैल 2021 को। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन था? कोविन था। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु है। अब हम कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान और मिशन का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा शुरू किया। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना द्वारा। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर मालदीव सेशेल्स मेडागास्कर व कोमोरोस देश के मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन संजीवनी इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना द्वारा। यानी ऑपरेशन संजीवनी वायुसेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान है। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान। नमस्ते ओवर हैंड शेक कर्नाटक सरकार का अभियान। नमस्ते ओवर हैंड शेक कर्नाटक सरकार का अभियान। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण के फैलाव रोकने हेतु। भी सेफ टनल तेलंगाना में रोगों को सैनिटाइज करने के लिए। भी सेफ टनल
तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा। करुणा पहल किसके द्वारा? सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा जारी किया गया। मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा। अब हम COVID-19 के दौरान जारी किए गए ऐप का रिवीजन करेंगे। COVID-19 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण ऐप, तो सबसे पहला है कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नारी ऐप NAADI नादी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा। नादी ऐप किसके द्वारा? पुदुचेरी सरकार के द्वारा। प्रज्ञाम PRAGYAM प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा। आई गोट तथा युक्ति YUKTI युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। एन कोविड 19 ऐप नागालैंड सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे द्वारा। संजीवनी ऐप बिहार द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। T-COVID-19 ऐप तेलंगाना सरकार द्वारा। जल आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए।